समिति सभापति रीना बाराकर समर्थन में ऑल आदिवासी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन बटले आगामी 9 मई के एसडीओ एसपी के डेपुटेशन करे कर जे कार्यक्रम रहे से के स्थगित कर के आगामी 10 मई के 12 बजे करे कर निर्णय लेवल गेलक। यह विषय के लेके आज सुबह संगठन बटले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करल गेलक। सर्वप्रथम तो जोहार। आज हमें विगत एक हफ्ता से देखते थे जे माल ब्लॉक में जे हमें के आदिवासी महिला जे जेकर नाम रीना बारा और सुशील प्रसाद प्रसाद जे कि माल ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे वो हमें के आदिवासी बहन रीना बारा के रूप में अभद्र टिप्पणी और उनके शारीरिक यौन शोषण के जे आरोप लाए थे। फिर भी प्रशासन ओके एखन तक गिरफ्तार नहीं कर रहे, ओके अरेस्ट नहीं कर रहे, जबकि ओके हमें एट्रोसिटी एक्ट के तहत ओकर में मामला दर्ज है और खुलेआम वो वीडियो पास होते हैं पूरा मीडिया में सर्कुलेट हुआ थे कि खुलेआम उठो भद्रा गाली दो थे। एक साथ ही साथ हमारे समाज में बहुत ही एक लेकिन विरोध उत्पन्न होते और हमें कहीं ना कहीं एक लेकिन बहुत निंदिया और असर्व लगो थे। तो एक लिए के 10 तारीख के डेपुटेशन हो जाते माल एस डी ओ में जेकर माध्यम से आईनी व्यवस्था लेवल जाए और जेकर में सभी कोई आह्वान जा रहा आदिवासी जितना सामाजिक संगठन है जितना भी धार्मिक संगठन है सभी कोई आवाज शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से हमें डेपुटेशन देव और समय है 12 बजे। जोहार सबों को। मैं आप सभी को बता दूं कि आगामी काल जो हम लोगों का डेपुटेशन था 9 तारीख को जो हम लोगों ने आह्वान किया था वो पोस्टपोन करके 10 तारीख को किया जा रहा है क्योंकि 9 तारीख को स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जयंती है, इसीलिए उस दिन पूरा सरकारी ऑफिस छुट्टी रहता है। इसीलिए छुट्टी के कारण हम लोग 10 तारीख को ये डेपुटेशन दे रहे हैं। तो आप सभी जितने भी आदिवासी समाज के अगुवागण हैं, लीडर हैं, उन सभी से निवेदन करते हैं कि रीना बाड़ा को न्याय दिलाने के लिए सभी कोई 10 तारीख को माल बाज़ार में आए और हम डेपुटेशन के माध्यम से जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है उस एक्ट के तहत में जो केस फाइल हुआ है सुशील कुमार प्रसाद के ऊपर आज तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है इनकेस इसके लिए हम सभी एसडीपीओ और साथ ही एसडीओ के यहाँ पे डेपुटेशन जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी यहाँ पे भारी से भारी संख्या में आए और आदिवासी का जो महिला है, दीदी है, बेटी है रीना बड़ा, उसको न्याय दिलाने में उसके साथ खड़े हों। जय जोहार, जय आदिवासी।